वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव भिवानी के बामला में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में तमाम सियासी दलों के नेता भी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गांधी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, शैलजा और अन्य नेता मौजूद थे। इससे पहले राहुल ने पूर्व सैनिक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों का ढांढस बंधाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके साथ दिल्ली कैंट के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक आदमी को नौकरी की भी बात कही गई है। एक तरफ जहां अन्य सियासी दलों के नेता पीड़ित परिवार के दर्द पर मलहम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कई नेताओं के चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। मृतक रामकिशन को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पर हरियाणा के सीएम ने कहा है कि खुदकुशी करने वाले को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बयान दिया है कि रामकिशन एक कांग्रेस वर्कर थे जिन्होंने पार्टी की टिकट पर सरपंच का चुनाव लड़ा था। उनका आत्महत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चंद पैसों के लिए ऐसा कदम उठाना गलत है। वहीं वीके सिंह के बयान की काफी निंदा भी की जा रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मृतक की तरफ से उन्हें कोई चिट्ठी नहीं मिली है और बैंक की गलती से रामकिशन को कम पेंशन मिल रही होगी। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर पूरी तरह से सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार और उन पूर्व सैनिकों का क्या जो पिछले 508 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन वो वादे वो दावे महज कोरे साबित होते हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।